नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती फेस 3 री एग्जाम को लेकर OMR सीट आपकी जारी कर दी गई है, परंतु कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर स्टार और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की भी चीजें उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ पर आप लॉग इन करके आप अपना जो डाटा है वगैरह देख सकते हैं। वहीं से ही आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी लॉगिन आईडी में अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आप यहां पर लॉगिन करेंगे ये कैप्चा फिल करके। इन केस आप यूजर नेम या पासवर्ड भूल गए तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड का, जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू अपना यूजर नेम और पासवर्ड अपने मोबाइल नंबर पर मंगवा सकते हैं। तो आपको अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं याद है तो मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप अपना यूजर नेम पासवर्ड मंगा सकते हैं। लॉगिन जब करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पर सारी डिटेल आपकी फिल होगी। साइड में आपको देखने को मिलेगा क्लिक टू डाउनलोड, ये जो आपका पोर्शन है यहां आपको साइड में डाउनलोड OMR का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो क्लिक टू डाउनलोड है इस पर जब आप क्लिक करेंगे अगले पेज पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डिटेल खुल करके आएगी, जहां पर आपका ID, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, बुकलेट नंबर, रिमार्क्स वगैरह होगा। और यहां पर आपको ऑप्शन डाउनलोड OMR का देखने को मिलेगा, जहां पर आपका ये PDF का साइन बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आपकी इस तरीके से OMR सीट खुल करके आ जाएगी। ये जो OMR सीट आपकी आएगी इसमें आपने जैसे उम्मीदवार का नाम, विषय का नाम, जैसे आपने सारी चीजें फिल की थी सारी डिटेल भरी हुई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपने जो गोला भरे हैं सारे OMR में वो आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद नीचे साइड आप जाएंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर, ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेना है। आपको जो मेन चीज चेक करना है ना, वही चेक करना है कि आपने जो रोल नंबर फिल किया है वो सही है या नहीं। यहाँ पर आपने जो गोला भरे हैं उसको लेकर के वो सारे सही चीजें हैं यहाँ पर नहीं, इस तरीके की दिक्कत को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो आपको एक मौका दिया गया है जो कि मैंने कल वाले नोटिफिकेशन में बात की थी। अब यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर असली दिक्कत जो कुछ लोगों को आ रही है वो देखने को मिल रही है, वो बात यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन है 150 के, वो सभी यहाँ पर आंसर लिखे होंगे, 1 से लेकर 150 तक सारे कुछ इस प्रकार से होंगे कि 1 लिखा है ऑप्शन तो उसके नीचे आपका ऑप्शन लिखा होगा, 2 है तो उसके नीचे जो आपने ऑप्शन टिक किया है वो ऑटोमेटिक इस तरीके से टाइप हो रखे हैं। यहाँ पर दो चीजें लिखी गई हैं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उस कंडीशन में आपका वो ऑप्शन के सामने ब्लैंक यानी खाली आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको स्टार देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन वो कंडीशन है जहां पर आपने एक से अधिक ऑप्शन में गोला भर दिया है। तो ये दोनों कंडीशन जिनके में भी आ रहा है इस चीज को क्लियर रखिएगा कि क्यों आ रहा है। अब जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो ऑप्शन टिक किया है यहाँ पर ऊपर वाले गोले में उसकी जगह यहाँ पर कोई ऑप्शन दूसरा है, तो इस तरीके की गलत दिक्कत एक तो आ रही है। दूसरी ये भी आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर फिल उन्होंने किया पर यहाँ पर खाली जगह आ रही है, फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं जिनको भी ऊपर जो आपका OMR सीट में आपने डाटा फिल किया है नीचे वाली अगर वैल्यू वो मैच नहीं कर रही है, उसी के लिए ही आपको अलग से समय दिया गया है कि आप किसी प्रकार की जो ग्लिच है उसको सॉल्व कर सकें। वैसे तो इस तरीके का सर्वर की भी कई बार दिक्कत होती है कि विद इन 1 से 2 दिन में आपका ये चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं, पर अगर नहीं हो रही है तो फिर इस कंडीशन में आपके पास जो मेल करने का ऑप्शन दिया गया था फिर आप वही यहाँ पर करिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई और दिक्कत होगी, अगर कोई हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।